अब वो जानती थी कि अब इसे क्या करना है। अब वक्त आ चुका था शायद। वो जलाल फरूकी के कमरे के सामने खड़ी थी। वो वही कमरा जहाँ इसकी रूह को झुलसा देने वाली अजियत के दिन देखे थे इसने, जहाँ वो बार बार तहकीर का निशाना बनी थी। लेकिन अजमेर की खातिर, अपने बेटे की जिंदगी की खातिर से ये सब करना था। इसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई, जहाँ अजलान फरूकी बैठा अपनी कनपटी सुलहा रहा था। इस शख्स को देख के इसके अंदर नफरत का लावा जला था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की खातिर इसने अपने लहजे को हतुल अमकान हमवार रखा था। अजलान इसे देखने लगा था, बात करनी थी। जेब ने अपनी बास में नरमी लाते कहा था, हाँ बोलो। पैसे चाहिए थे मुझे अजलान, मेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। अजलान ने घूर के से देखा, इस बेटे के लिए जिसकी वजह से मेरा सब छिन गया मुझसे, मेरी रेपुटेशन, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे सब कॉन्ट्रैक्ट। बेवकूफ है तुम्हारा वो बेटा, फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा इसके लिए मैं, अजलान ने नहायत इस फाकियत से कहा था। जेब इसे देखने लगी, ऐसे मत कहो अजलान, वो बेटा है हमारा, इसने भराई वास में कहा। लेकिन अजलान गरजा था, नहीं है वो मेरा बेटा, मत कहो इसे मेरा बेटा। पहले इस लड़की यारन के पीछे पड़ के मुझे रुसवा करता रहा, फिर दिल भर गया तो इसे किसी दूसरे शख्स के हवाले करके रिमशा को मेरे सर पर ला बैठाया और बर्बाद कर दिया इसने मुझे। सब मुझसे अपनी डील कैंसिल कर रहे हैं तुम्हारे इस हरामजादे की वजह से। जेब ने तड़प के इसे देखा, जब इससे अपने काम निकलवाते रहे तब तक वो अच्छा था, और अब मुंह फेर रहे हो इससे। वो तुम्हारी वजह से वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है, इसे तुम्हारी जरूरत है अजलान। वो रो रही थी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, वो खुराया था। रहना चाहो तो रह सकती हो यहाँ, वरना निकल जाओ तुम भी यहाँ से अपने इस हराम। बस अब एक लफ्ज नहीं अजलान फरूकी, तुम एक माँ की फरियाद को धुतकार रहे हो। अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ तुमसे, लेकिन तुम याद रखना अजलान फरूकी, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। ऐसे पड़े कि तुम पे के मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें किसी भी किस्म के अजाले की, कह के वो कमरे से निकल के जा चुकी थी। जबकि अजलान फरूकी ने नखोत से सर छिटका था। वो खुद न जाने किस बिल में छुपा बैठा है, लेकिन इसके फार्म हाउस पे इसके आदमी थे जिन्हें भयानक मौत के घाट उतार कर आ चुका हूँ मैं, सलार फोन पे इसे बता रहा था। इसने बस हंकार भरा था, तुम रिलैक्स रहो अब अबरार मिल जाएगा, वो भी बहुत जल्द, और तब इसका आखिरी दिन होगा, सलार इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो खामोश रहा। चलो अब नाइट एंजॉय करो अपनी, गुड नाइट, सलार ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अबरार भी मोबाइल सोफे पर फेंक चुका था और सोफे पर खुद ढहस आ गया था। सोफे की पुश्त पर सर रखे आंखें मूंदे हुए था। अभी कुछ देर गुजरी ही थी जब नरम लबों के लम्स इसे अपनी पेशानी पर महसूस हुआ था। इसे अपने तने असाब नरम पड़ते महसूस हो रहे थे। इसने आँखें खोलनी चाहिए, लेकिन यारा ने धीरे से अपने नाजुक सा हाथ इसकी आंखों पर रख दिया था और चुप रहने का इशारा करते हुए इसके कान के पास सरगोशी करके यारन ने धीरे से अपने लब इसके कान के लोह पर रखे थे। यारन बेचैन लहजा था, यारन के लब मुस्कुराए थे, आंखें नहीं खोलनी। इसने फिर से सरगोशी की थी, यारन फिर से वही बेचैन लहजा, कीप क्लोज योर आईज अबरार। इसकी सरगोशियाँ जैसे अबरार के दिल की धड़कने तेज कर रही थी। हाथ हटा दिया था इसने, अब मुस्कुराती हुई वो सोफे पर आकर अबरार के पास बैठ गई और अब महवियत से इसका चेहरा देख रही थी। अब खोल सकता हूँ आंखें यारन, वो तंग आके पूछने लगा। नहीं, इसने जल्दी से कहा। यारन की सांसें से अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, तभी इसने झट से आंखें खोल दी। लेकिन मैं खोलना चाहता हूँ आंखें, अबरार ने बोझल लहजे में कहा, साथ इसकी कमर पर बाजू फैला के इसे अपने बेहद करीब किया। यारन का चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब था, वो इसे बेचैन नजरों से देख रहा था। यारन की इसकी आंखों में बेचैनी नजर आ रही थी, वो इसकी आंखों में देखती गई। अबरार भी इसकी आंखों में देख रहा था। यारन ने इसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। अबरार को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। वो जब अलग होने लगी तो अबरार ने तड़प के इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। वो बेचैनी बेसुकूनी इसके अंदर फैल चुकी थी, जैसे वो सब खत्म हो रहा था, एक सुकून सा उतर रहा था इसके वजूद में। यारन की सांसों का हल्का हल्का शोर इसे मदहोश कर रहा था, वो मदहोश ही तो होना चाहता था यारन की कुर्बत में, वो पुरसकून होना चाहता था यारन की मोहब्बत में, और यारन इसे पुरसकून कर रही थी। इसकी बेचैनियां वो अपने हर मोहब्बत भरे लम्स से मिटा रही थी। दूर तो नहीं हो जाओगी यारन, छोड़ तो नहीं दोगी,
इसकी बेचैन सरगोशी यारन के कानों में गूंजी थी। यारन ने रुक के इसकी बोझल आंखों में देखा, जिसमें डर हलकोरे ले रहा था। नहीं, इसने मुस्कुरा के इन आंखों में देखा। क्यों? वो पूछ रहा था। वो इसके बिखरे वजूद को खुद पर झुकाए इसकी आंखों में देखते पूछ रहा था। इसकी बोझल सांसें यारन के चेहरे को छू रही थी। मोहब्बत करती हूँ तुमसे अबरार, बेहद बेपनाह मोहब्बत, इजहार करती वो अबरार जो अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। और मैं इश्क करता हूँ तुमसे, बेपनाह इश्क जिसकी कोई हद नहीं। इसकी बोझल सरगोशी उभरी थी। यार मुस्कुरा के इसके चौड़े सीने पर अपना सर रख चुकी थी और वो मुस्कुरा रही थी। आरिश कमरे में आया था। अजमेर की भी नजरें इसे मिल चुकी थी। आरिश अफसोस के साथ इसे देख रहा था। इसकी आंखों में दर्द था, अफसोस था कि वो अपने दोस्त को न समझ पाया। इंसान के रूप में वो एक शैतान को अपना दोस्त समझ बैठा। जब जब अजमेर की सफाकियत के बारे में सोचता इसकी रूह तक कांप जाती। वो आगे नहीं बढ़ा था, वहीं से वो अजमेर के नीम झुलस शुदा चेहरे को देख रहा था। अजमेर की आंखों से आंसू बह निकले। आरिश इसका दोस्त था, इसका सब कुछ। वो सब कुछ खो चुका था, इसे खो चुका था। वो अब देख रहा हूँ शैतान के रूप में मौजूद इस इंसान को मैं अपना दोस्त क्यों मान बैठा, आरिश ने स्पार्ट लहजे में कहा था। यारन, यारन करने वाला इंसान जिसे मैं मजनू समझता था, बेपनाह मोहब्बत करने वाला मजनू, इतना जालम और सिफाक कैसे हो सकता है? अगर मोहब्बतों का यही अंजाम होता है तो लानत है ऐसी मोहब्बत पर। आरिश का लहजा टूटा हुआ था। यारन को बर्बाद कर दिया तुमने, इससे इसका सब छीन लिया और फिर इसे छोड़ भी दिया सिर्फ इसलिए कि वो 5 दिन, बस 5 दिन कोठे पर गुजार आई थी। इसकी पिक्स और वीडियोस लीक होने वाली थी वेबसाइट पे, बस इसीलिए अजमेर एक मासूम लड़की को अपनी नफरत, अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन, पैसे की लालच, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बर्बाद कर दिया तुमने। शेम ऑन यू अजमेर, शेम ऑन यू। वो मिराल हसन, बस कर दो, चुप कर जाओ, बस कर दो, वो चिल्लाया था और अब रो रहा था। कानों पर हाथ रख चुका था अपने। चुप करो, खामोश रहो, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला हो गया हूँ, यहाँ कोई नहीं आता, घुटन होती है मुझे, यहाँ दम घुटता है मेरा, मुझे माफ कर दो। आरिश वो हाथ जोड़े रोते हुए कह रहा था। आरिश ने नफरत से इसे देखा। तुम माफी के लायक नहीं हो अजमेर, बस ये देखने आया था कि मेरा वो दोस्त जो जिद्दी मगरूर मजनू था, जो भी था यही समझता था इंसानियत तो है ना इसमें, लेकिन तुम तो इंसान के रूप में शैतान थे, शैतान। आई हेट यू अजमेर, आंसू इसकी आंख से फिसला था। झटके से मुड़ के वो दरवाजा खोल के वहां से निकलता चला गया। दोस्त खो दिया इसने, यकीन टूट गया था, इंसानियत की मौत हुई थी। वो चलता गया, धुंधलाई आंखों से चलता रहा। अंदर बैठा अजमेर रो रहा था अपनी बदकिस्मती पे, अपने आप पर, अपनी सफाकियत पर। वो अकेला रह गया था, कोई नहीं था इसका, बस वो था, वहशत थी। वो ऑफिस आया था, इसके चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। अपने कमरे में आके वो अपनी सीट पर आके बैठ गया और अब लब भीजे वो सलार को देख रहा था। मेरी कार पर फायरिंग करके वो अपनी मौत को आवाज दे चुका है, ढूंढो इसे, अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा इसे मैं। लहजा भी चट्टानों जैसा सख्त था। रिलैक्स रहो अबरार, मिल जाएगा वेरी सून, सलार इसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे टाइम पर पता चला और टाइम पे मैं वहाँ पहुँच गया, तो अपनी इस मुखबर से पता लगाओ कहाँ छुपा बैठा है वो जलील इंसान। अबरार धाड़ा था, सलार इसे देख कर रह गया। गुस्सा तो जैसे इस इंसान में भरा हुआ था, हंसता कभी देखा ही नहीं था इसे, जब भी देखा गुस्से में ही देखा इसे, जबकि सलार नरम हो इंसान था और मुश्किल हालात में भी रिलैक्स रहने वाला इंसान। अबरार कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो क्या कुछ होने देता सलार, या इंतजार करूं इस वक्त का कि कुछ हो? यारन पे जरा भी आंच आई तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ ना कर पाऊंगा। सलार इसे पुरसोच नजरों से देखता गया। इश्क ने निकम्मा कर दिया तुम्हें, अबरार ने सख्त नजरों से इसे घूरा, जबकि सलार अपनी मुस्कुराहट छुपाता सर झुका गया। अब ये क्या बकवास है, अबरार अब भी इसे घूर रहा था। सलार इसे देखने लगा, चेहरे पर उमड़ती मुस्कुराहट को अब की बार ना छुपा सका। कुछ नहीं होता यार, तुम हो ना यारन की हिफाजत के लिए, तुम्हारे होते से कुछ भी नहीं हो सकता, सो रिलैक्स और कभी कभी अपने इस मुखड़े पर थोड़ी सी स्माइल भी ला दिया करो। अबरार इसे घूरना छोड़कर अपनी पेशानी मसलने लगा। इसकी नजर लैपटॉप पर गई, जहां घर में लगे कैमरों की वजह से यारन इसे नजर आ रही थी। वो टॉवल अपने गिद लपेटे अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वो धड़कते दिल के साथ इसे ही देख रहा था।
अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके वह भरपूर अंगड़ाई ले रही थी और अबरार की सांसें जैसे पल भर के लिए थमी थी। अबरार ठीक हो? वो जो कब से अबरार के चेहरे के तासरात नोट कर रहा था पूछने लगा। अबरार ने चौंक कर इसे देखा। निकलो तुम अब यहाँ से, मुझे काम है बहुत, कह के वो अब अपना लैपटॉप को देख रहा था जबकि सलार कंधे उचकाता अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आती थी इस बंदे की। वो 27 साल बाद इस दहलीज पर खड़ी थी जिसे वो काफी साल पहले ठोकर मारकर जा चुकी थी, जिसकी मोहब्बत को, जिसकी इज्जत को वो रोंद के चली गई थी यहाँ से हमेशा के लिए। वो आज मुकद्दर ने फिर इसे यहाँ इसी जगह खड़ा किया था। लड़खड़ाते कदम इसने दहलीज के इस पार रखे थे जहाँ वो शख्स था जो इसकी आखिरी उम्मीद था, जो इसके हर दुख का मदावा था। घर के मुलाजम राशन ने इसे हैरत से देखा था, वो इनका पुराना मुलाजम था। जेब को यूं इतने साल बाद यहाँ देखकर वो चौंका था। जेब लब काटती सर झुका गई थी। बेगम साहबा आइए, अंदर आइए, राशिद ही बोला था। जेब ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, डरते डरते सीढ़ियों की तरफ देखा था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इसका पूछे, राशिद समझ गया था। बैठिए, मैं बुलाता हूँ साहब को, कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जेब लॉन्च में खड़ी सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देख रही थी जो वो कई साल पहले यहाँ लगवाई थी, और आज भी वैसे ही वो पेंटिंग यहाँ मौजूद थी। कुछ नहीं बदला था, सब वैसा ही तो था। वो लॉन्च, वही दीवारें, वही पेंटिंग, वही जेब के फेवरेट डिजाइन के कुशन इसकी आंखें धुंधलाई थी। वो खुद बदली थी, बेहद बदली थी। इसका गुरूर किरची हो चुका था। वो नाजुक सी हारून की लाडली बीवी से वो अब क्या बन गई थी, जिंदा लाश। जेब, ये आवाज वो आज भी पहचान सकती थी। ये आवाज आज भी कितनी दिलफरेब थी। आंखें मूंद के इसने इस आवाज की गूंज को अपने वजूद में जज़्ब किया। आंखें खोल के वह मुड़ी थी, अपने सामने खड़े हारून शाह को देख रही थी। हल्की हल्की दाढ़ी रखी थी इसने तो अब, वही सहर आंखें, मसम राइस कर देने वाली आंखें, चेहरे पर पुरसकून सी मुस्कुराहट। हारून, इसने सिसकी ली थी। हारून इसके नम आंखों और सिसकते वजूद को देख रहा था। वो तो आज भी खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। इसने गहरा सांस लिया। कैसी उजेब, वो नरमी से पूछ रहा था। पिछले दिनों के गुस्से का कोई शायबा तक नहीं था। मैं ठीक हूँ हारून, हारून लब भींजे अभी से खामोशी से देख रहा था जबकि वो अपने उमड़ते आंसू पर पुल बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा, हमारा बेटा अजमेर, वो कह के रुकी थी। हारून की आंखों में हैरत थी। वो क्या बताती अभी से, किसने किस तरह से इसे इसके बेटे से दूर रखा 27 साल तक। वो रोने लग गई थी, हिचकियों से रो रही थी वो। हारून कुछ देर से खामोशी से देखता रहा। जब रहा ना गया तो आगे बढ़कर इसके गेंद बाजुओं का हसार बना लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हारून, मैंने सब खत्म कर दिया, सब खत्म। मैंने खुद को बर्बाद कर दिया, तुम्हें दर्द दे के मैंने खुद को भी बर्बाद कर लिया, जीते जी मार दिया मैंने खुद को। वो हिचकियों के बीच रो रही थी, बता रही थी, इसे सब बता रही थी, अपनी हालत बता रही थी। अजमेर, वो रोते रोते रुकी थी, अब इसे ही देख रही थी। अजमेर, अजमेर, वो कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ अजमेर को, हारून इसकी भीगी आंखों में देखते पूछ रहा था। अजमेर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खून, हमारा बेटा अजमेर। हारून बेयकीनी से अपने सामने खड़ी जेब को देख रहा था। इसके चेहरे के तासरात सर्द पड़े थे। इसे तुम्हारी जरूरत है हारून, इसे बचा लो, प्लीज बचा लो। कैसे कर सकती हो तुम ये सब जेब, कैसे, हारून स्पाट लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ अजमेर, अजमेर तुम्हारा ही खून है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे छुपाया, मुझे माफ कर दो, मुझे बुरा भला कहो, सजा दो मुझे, लेकिन प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो हाथ जोड़ के इसके सामने खड़ी हो गई। इसे अकेला मत छोड़ो, ही नीड यू। इसमें अजलान की खसलतें शामिल हो गई थी, तभी वो बर्बाद कर गया खुद को। झुलसे हुए जिस्म के साथ वो हॉस्पिटल में पड़ा है। इसे अकेला मत छोड़ो प्लीज हारून, इसने हारून के हाथ थाम लिए जिसे हारून ने झटके से छुड़ाए। वो दर्द कम थे तुम्हारे जेब, जो जाते जाते ये गम भी दे गई थी मुझे, इसका लहजा टूटा हुआ था। मैं गलत थी, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी, अगर अजमेर तुम्हारे पास होता तो वो आज हॉस्पिटल में ना पड़ा होता। मैं तो बर्बाद हो ही गई, साथ में अपने बेटे को भी बर्बाद कर दिया, वो सिसक रही थी। हारून के पांव पड़ गई थी। अजमेर को बचा लो प्लीज हारून, हारून दो कदम पीछे हटा था। इसने झुक के जेब को थाम के अपने सामने खड़ा किया।
इसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारी जगह हारून के कदमों में नहीं है। आज तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। कितना यकीन था इसके लहजे में। ज़ेब इसे देखते गई। कौन से हॉस्पिटल में हमारा बेटा? इसकी आवाज कांपी थी। ज़ेब को फिर से रोना आने लगा था। यारन का कुछ पता चला? शहबाज, ईमान इसके पास बैठी पूछ रही थी। शहबाज ने एक नज़र इसे देखा। वो अबरार हयात के साथ तुर्की में है, तो जाके ला क्यों नहीं रहे इसे आप लोग? ईमान झंझलाई थी। ये सब इतना आसान नहीं है ईमान, शहबाज ने इसे समझाते हुए कहा। तो कैसी पुलिस हो आप जो कुछ ही नहीं कर पा रही? ईमान की आवाज भराई थी। शहबाज ने इसे बाहों के हिसार में ले लिया। आ जाएगी यारन, यही हमारे पास। वो दिन दूर नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार मेरी जान, शहबाज ने धीमे लहजे में कहा। और अगर इस शख्स ने इसे कोई नुकसान पहुंचाया तो? वो डर रही थी। पहुंचाना होता तो पहुंचा चुका होता। वो यारन को चाहता है। यारन इसकी बीवी है, वो इसे नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम ले आएंगे इसे, यारन को वापस ले आएंगे हम इंशाल्लाह, शहबाज ने इसे नरमी से समझा रहा था। ईमान इसकी तरफ देखते ही इस बात में सर हिलाने लगी। अजमेर ने जो कुछ किया यारन के साथ मोहब्बत के नाम पर, इसके बाद से तो अब यकीन ही बहुत मुश्किल है किसी पे, और स्पेशल मर्दों पर। वो बिना सोचे समझे कह गई थी, जबकि शहबाज इसे घूरने लगा। क्या मतलब? ईमान संभल गई थी। आई मीन मेरा मतलब था वो, जबान दांतों तले दबा गई, जबकि शहबाज की घूरियां अरूज पर थी। मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, तुम्हें मारता हूँ, जो सब मर्दों में मुझे भी मिक्स कर गई। नहीं शहबाज आप गलत, वो मन मनाई थी। लेकिन शहबाज इसका हाथ झटक के उठ चुका था। शहबाज मेरी बात तो, लेकिन मन सुनी करता चला गया शहबाज, पर सर थाम गई। अब इसकी नाराजगी कैसे खत्म करे वो? तुम आज से नहीं पियोगे, कह के इसने बोतल उठाकर डस्टबिन में फेंक दी, जबकि अबरार हयात इसकी हरकत को नोट फरमा रहा था। फट फट, यारन इसे घूर के देखा तो वो खामोशी से इसका जायजा लेने लगा। अब क्या है, घूर के रहे हो? यारन ने तनक के कहा। तो वो अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश करने लगा। मेरा असलाही प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हो, खुद ही तो कहा था मुझे सुधार दो, तो अब सुधरो, यारन मुंह बनाकर बोली थी। ये भी ठीक है, अबरार सर इस बात में हिलाता वहाँ से उठने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? यारन की आवाज पे इसने हैरत से इसे देखा। रूम में जाऊं? नहीं, यारन ने मना कर दिया। अबरार करीब आके इसके माथे पर हाथ रखने लगा। आर्शी ओके, टेम्परेचर तो नहीं हुआ? वो परेशानी से बोल रहा था, जबकि यारन इसे घूर रही थी। तो वो हंसता हुआ वहीं बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। यारन ने वो भी इसके मुंह से खींच के परे फेंक दिया। व्हाट नो? अबरार अब फिर इससे हैरत से देख रहा था, जबकि वो इतना से सोफे की पुश पर सर टेक के आंखें मूंद गई। आई मीन सीरियसली, अबरार की हैरत में डूबी आवाज उभरी। नॉट फेयर यारन, वो झुंझलाया था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यारन ने इसी का कहा जुमला इसे लुटाया। अबरार अब लव भेजे से देख रहा था, जबकि वो आंखें मूंदे हुए थी। इसके लबों पे अब के अबरार की नजर थी। दिल में प्यार सा उमंड के आया था इसके लिए, तभी दिल की सुनने इसके लबों पर झुका था। यारन बुखला कर पीछे होने लगी थी, लेकिन तब तक अबरार इसे अपने बाजों के हसार में ले चुका था और इसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। यारन की मजाहमत का इस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। आखिर इसके लबों को आजाद करके वो अब महफियत से इसे देख रहा था। यारन अपनी सांस बहाल करने लगी, फिर रुक के इसे देखने लगी। नॉट फेयर अबरार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, अच्छा खासा वार कर गया था वो यारन पे। वो सोफे से कुशन उठाकर इसे मारने लगी। इससे कुछ नहीं होगा, वो वाज उठाकर मारो मुझे, मजे से इसे जिज करता बोला था। गला ना दबा दूं तुम्हारा? यारन की घूरियां रोज पर थी, वो मुस्कुरा दिया था। इतने नाजुक हाथों में मेरी गर्दन पर कोई असर नहीं होने वाला, वो इत्मीनान से बोला था। तुम्हें लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ? यारन की तनबीह नजरें इस पर थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा? तुम तो मेरा मुंह तक तोड़ सकती हो अपने नाजुक हाथों से, वो जेरे लब मुस्कुराता बोला था। तुम जैसा खुश मिजाज आदमी मजाक भी कर लेता है, यारन इसे मसनूई हैरत से देख रही थी। मैं रोमांस भी अच्छा खासा कर लेता हूँ, देख तो चुकी हो तुम। यारन इसकी बात पर सुर्ख होते मुंह मोड़ गई, वो हंस पड़ा था, जब इसके मोबाइल पर कॉल आई। मोबाइल कान से लगा के अब इसके चेहरे पर सख्त तासरात उभरे थे। दूसरी तरफ से न जाने क्या कह रहा था जो कोई भी था।
کہ ابرار کے چہرے کے سخت اثرات میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ بیلکونی میں گیا تھا۔ اس نے یارن کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ یارن اب لب کاٹتی شیشے کے پار اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے ڈر لگا تھا ابرار سے۔ جتنا نرمی سے وہ یارن سے پیش آتا، اتنا ہی سرد اور بے تاثر لہجہ اس کا دوسروں کے ساتھ ہوتا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، لیکن ابرار ابھی تک بیلکونی میں کھڑا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کمرے میں صوفے پر بیٹھی یارن پہ ایک نظر ڈالی تھی، اور یارن نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے نظریں جھکا دی، کہیں اس کی آنکھوں میں خوف نہ پڑ لے۔ تو دوستو، یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ بہت سارے لائکس ہونے چاہیے تاکہ جلد سے جلد اگلا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے۔ اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، ساتھ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ بر وقت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔